अपना जो फेस है वो लंबा है, जैसे कि मेरे केस में मेरा फोरहेड काफी बड़ा है, आपका फेस जो है ना और भी ज्यादा लंबा और भी ज्यादा को हमें थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा। मैं काफी फेस शेप्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ, लेकिन ओब्लॉन्ग फेस शेप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि भाइयों ये मेरी फेस शेप, और अगर आपकी भी है तो वीडियो में बने रहो। ओब्लॉन्ग फेस शेप पे पूरा स्टाइल गाइड है ये वीडियो, और इससे बेटर वीडियो ओब्लॉन्ग फेस शेप पे आपको पूरे इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। देखो ओब्लॉन्ग फेस शेप के फीचर्स बहुत ही सिंपल होते हैं, हमारा जो फेस है वो लंबा है और हमारी फोरहेड चीक और जॉ लाइन की लेंथ है वो सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। कई लोग इसको रेक्टेंगल फेस शेप भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो ज्यादातर होता है कि या तो फोरहेड बड़ा होता है या चिन, जैसे कि मेरे केस में मेरा फोरहेड काफी बड़ा है। अब इसी को आपको बैलेंस आउट करना है, और कैसे करना है वो आगे बताता हूं। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अवॉइड क्या करना है। देखो आपको साइड्स को बहुत ज्यादा छोटा नहीं करवाना, आप टेपर्ड करवा सकते हो या लो फेड करवा सकते हो, लेकिन बिल्कुल डिस्कनेक्टेड और बिल्कुल अंडरकट टाइप के हेयर स्टाइल्स इन्हें आपको अवॉइड करना है। इससे आपका फेस जो है ना और भी ज्यादा लंबा और भी ज्यादा रेक्टेंगल टाइप का डब्बा टाइप का लगता है, इसलिए इन्हें आपको अवॉइड करना है। ओब्लॉन्ग फेस शेप की स्टाइलिंग में एक चीज बहुत मैटर करती है, वो है कि आपकी बियर्ड आती है या आपकी बियर्ड नहीं आती है। तो पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनकी या तो अभी बियर्ड नहीं आई या फिर बियर्ड आती नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको टेपर या लो फेड भी नहीं करवाना, आपको साइड्स पे नेचुरल कटिंग करवानी है, मतलब आपको मशीन से कटिंग नहीं करवानी, सीजर से कट करवाना है। थोड़ा सा बड़ा ही रखना है आपको साइड्स को, ताकि आपके फेस को विड्थ मिल सके, क्योंकि आपकी बियर्ड नहीं आती तो आपके फेस को बैलेंस आउट हमें करना पड़ेगा, आपकी उस लेंथ को हमें थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा। अगर आपका फोरहेड बड़ा है तो आप फोरहेड पे बाल ला सकते हो, इससे आपका फेस इतना ज्यादा लंबा नहीं लगता, या फिर ओवरऑल थोड़े से छोटे बाल रख सकते हो, आप थोड़ा सा मैसी लुक रख सकते हो। अगर आपके कर्ली बाल हैं तो आप ओवरऑल थोड़ा सा बालों को बढ़ाओ, साइड्स और टॉप पे थोड़े से बाल ज्यादा होने चाहिए जिससे आपको फ्रिंज लुक मिल सकता है, या आप साइड में थोड़े से बाल छोटे भी करवा सकते हो, लेकिन बिल्कुल अंडरकट टाइप का हेयरस्टाइल नहीं करवाना। अगेन मैं बता रहा हूं, अगर आपके वेवी बाल है तो थोड़ा सा बड़ा रखो बालों को, 4 से 5 इंच की लेंथ होनी चाहिए, और पार्टीशन ओब्लॉन्ग फेस शेप बालों की या तो साइड से होती है या साइड से थोड़ा सा मिडिल की तरफ जाएंगे वहां से कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल मिडिल से नहीं करनी है। ओब्लॉन्ग फेस शेप वाले लंबे बाल भी रख सकते हैं, अगर आप बाल बढ़ा रहे हो तो आप बैनमन टाइप का हेयर स्टाइल रख सकते हो, या फिर ओवरऑल लॉन्ग हेयर लुक रख सकते हो, ये भी ओब्लॉन्ग फेस शेप वालों पे अच्छा लगता है। और अगर आपकी बियर्ड आती है तो जो जो मैंने हेयर स्टाइल्स बताए वो सब आप रख सकते हो, साथ ही साथ आप टेपर या लो फेड भी करवा सकते हो अपने बालों को, क्योंकि आपकी बियर्ड से थोड़ा सा लुक बैलेंस आउट हो जाता है। और बियर्ड की बात हो ही रही है तो बियर्ड कौन सी रखनी है, देखो आइडियली तो शॉर्ट बियर्ड स्टाइल्स ही सूट करते हैं ओब्लॉन्ग फेस शेप पे, जैसे कि स्टबल हो गया या फिर मीडियम लेंथ की बियर्ड होगी, शॉर्ट बियर्ड होगी, ये सूट करती है। लेकिन बियर्ड के मामले में भाई मैं ये मानता हूं कि अच्छी बियर्ड के आगे तो कोई रूल नहीं टिक पाएगा। अगर आपकी एपिक बियर्ड आती है और आपको बियर्ड अच्छी लगती है, आपको बियर्ड बढ़ानी है, तो डेफिनेटली आप बियर्ड बढ़ाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका फेस लंबा लग रहा है, लेकिन अगर आपकी बियर्ड अच्छी आती है तो सारे रूल इसके सामने फेल है। और बियर्ड ग्रोथ पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बताओ। अब लास्ट में बात कर लेते हैं फ्रेम्स की, फ्रेम्स कौन से सूट करेंगे भाई ओब्लॉन्ग फेस शेप। देखो आपका फेस है लंबा, आपका फेस है बड़ा, तो आपको चंकी फ्रेम्स सूट करेंगे, थोड़े से बड़े साइड पे आपको फ्रेम्स लेने हैं। आप वेफेयर ले सकते हो, एविएटर ले सकते हो, आप स्क्वायर या रेक्टेंगल फ्रेम्स ले सकते हो, लेकिन आपको बड़े फ्रेम्स लेने हैं, छोटे फ्रेम्स नहीं लेने, और साथ ही साथ राउंडेड फ्रेम्स भी आपको अवॉइड करने हैं, वो भी ओब्लॉन्ग फेस शेप पे इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये थी भाइयों वीडियो ओब्लॉन्ग फेस शेप पे, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और भी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं और भी डिफरेंट फेस शेप्स पे, हेयर स्टाइल्स पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।